नमस्कार आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। देखिए किस तरह से पूजा का थाली लेकर राहुल गांधी के स्वागत में छोटे छोटे बच्चे यहां पर खड़े हैं। देखिए पूजा का थाली लेकर राहुल गांधी के लिए स्वागत करना चाहते, एक तरफ तो पूजा का थाली लेकर स्वागत, तो दूसरी तरफ जो है सर पर जो है ये पूजा मटका लेकर मटकी लेकर जो है राहुल गांधी के लिए स्वागत में लोग खड़े हैं। यहाँ पर लगातार लोग राहुल गांधी के स्वागत में, ये जो है पूजा का मटकी है राहुल गांधी के लिए है। राहुल गांधी के स्वागत में महिलाएं अपने सर पर जो है पूजा का ये मटकी लेकर राहुल गांधी के स्वागत में खड़े, कहीं पर पूजा की थाली तो कहीं पर मटकी जो है लेकर लोग यहाँ पर खड़े हैं और लगातार राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ प्रवेश कर रहा है, ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा किस तरह से आगे की तरफ प्रवेश कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे राहुल गांधी के इंतजार में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है और लगातार जो है लोगों की जनसंख्या, लोगों का भीड़, लोगों का समर्थन और लोगों का प्यार राहुल गांधी को लगातार मिल रहा है। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ प्रवेश कर रहा है। आप देखिए किस तरह से फ्लाईओवर पर लोग खड़े हैं और राहुल गांधी को ऊपर से हाय हेलो जो कुछ भी कहना है वो कह रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आपको मेदक डिस्ट्रिक्ट से आपको दे रहे हैं और ये जो है तेलंगाना का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद महाराष्ट्र की शुरुआत होनी है और महाराष्ट्र में स्वागत का एक अलग इंतज़ाम लगा हुआ है, क्योंकि उम्मीद जताया जा रहा है कि कई सारे बड़े लोग उस यात्रा में शामिल हो गए। उद्धव ठाकरे हो गए या और भी शरद पवार जैसे लोग भी उस पूरे यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी आ रहे हैं और राहुल गांधी इस पूरे यात्रा को अपने तरीके से लीड कर रहे हैं। देखिए किस तरह से काफला है और काफला के साथ राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ प्रवेश कर रहा है और ये तमाम तस्वीरें हैं भारत जोड़ो यात्रा की। ऊपर से देखिए किस तरह से भीड़ है और लगातार यात्रा आगे की तरफ बढ़ रहा है, लगातार यात्रा आगे की तरफ प्रवेश। मेदक डिस्ट्रिक्ट जो तेलंगाना का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद महाराष्ट्र की शुरुआत होनी है और लगातार देखिए कि किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोग जो है फ्लाईओवर पर चढ़कर स्वागत के लिए इंतज़ार में है और अलग अलग तस्वीरों में कई सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही है कि भारत जोड़ो यात्रा किस तरह से सफलतापूर्वक जो है तेलंगाना से महाराष्ट्र की तरफ प्रवेश कर रहा है। यात्रा 61वें दिन में प्रवेश कर चुका है, मेदक डिस्ट्रिक्ट में है और तेलंगाना के बॉर्डर पे खड़ा है। तेलंगाना से ये महाराष्ट्र का बॉर्डर बिल्कुल करीब है, 40 किलोमीटर बाद महाराष्ट्र शुरू हो जाएगा और देखिए किस तरह से यात्रा कितना दूर है, उसके बावजूद किस तरह की भीड़ दिख रही है, किस तरह से राहुल गांधी के समर्थन में लोग खड़े हैं, किस तरह से लगातार भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ बढ़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ प्रवेश कर रहा है। इस यात्रा में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहां पर खड़े हैं और लगातार इस यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा 61वें दिन में प्रवेश कर चुका है और लगातार तस्वीरें देखिए कि किस तरह से राहुल गांधी को समर्थन मिल रहा है, किस तरह से जन सैलाब राहुल गांधी के साथ चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना के मेदक डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहा है और कुछ ही मिनट बाद या कह सकते हैं कि कुछ ही घंटे बाद ये यात्रा जो है आगे की तरफ बढ़ जाएगा, यानी महाराष्ट्र में चला जाएगा। देखिए किस तरह से राहुल गांधी के साथ भीड़ है, किस तरह से राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए लगातार शहर के हर तरफ से लोग आकर राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। यह तस्वीरें आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा किस तरह से आगे की तरफ बढ़ रहा है और तमाम तस्वीरों में देखिए कि कितने दूर तक लोग राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ चल रहे हैं। तमाम तस्वीरें हैं भारत जोड़ो यात्रा की और इन तस्वीरों से बहुत सारी बातें स्पष्ट हो रही है। राहुल गांधी यहाँ पर खड़े होकर लोगों के साथ सेल्फी ले रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से राहुल गांधी एक वहाँ पर खड़े होकर जो लोग भी उनसे मिलने आ रहे हैं उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। लगातार जो है भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ प्रवेश कर रहा है, राहुल गांधी लगातार इस यात्रा को लीड कर रहे हैं, यात्रा आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से मेन सड़क पर जो है राहुल गांधी के समर्थन में लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर इस भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं भारत जोड़ो यात्रा की, किस तरह से लोग जो है फ्लाईओवर पर खड़े होकर राहुल गांधी और इस भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट करिए। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से तेलंगाना में शायद पहली मर्तबा इस कदर की भीड़ देखने को मिली है, क्योंकि इस तरह की भीड़ जो है कर्नाटका, केरला और
तमिलनाडु में मिलने देखने को मिली थी, मगर तेलंगाना में इस तरह की भीड़ कहीं ना कहीं कुछ संकेत दे रहा है। हालांकि जिस तरह से बाई इलेक्शन हुआ, वहां पर 6 राज्यों के 7 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ, मगर उसके बावजूद भी जिस तरह का लोगों का भीड़ है, जिस तरह से लोगों का सहयोग है, ये देखिए किस तरह से राहुल गांधी के लिए जो है लोग फूल बरसा रहे हैं। यह तमाम तस्वीरें हैं भारत जोड़ो यात्रा की। 61वें दिन में यह यात्रा प्रवेश कर चुका है और देखिए किस तरह से लोग ऊपर में इकट्ठा है और लगातार ये भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये तमाम तस्वीरें हैं मेदक डिस्ट्रिक्ट से। ये देखिए किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ बढ़ रहा है। लगातार जो है नारायण खेत का इलाका है और ये तमाम तस्वीरें जो है चल रहे हैं। लगातार भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ बढ़ रहा है। लगातार जो है लोग आगे की तरफ चले, ये तमाम तस्वीरें आप देखिए। लगातार भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ चला, ये तमाम तस्वीरें किस तरह से लोगों का भीड़ है। घूमिए, हो गया, जाइए। लगातार ये तस्वीरें देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो है 61वें दिन में प्रवेश है और हर तरफ लोगों का भीड़ है। लगातार लोग चल रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें इस यात्रा में देखिए किस तरह से पैराशूट के जरिए राहुल गांधी का स्वागत किया जा रहा है। ऊपर देखिए पैराशूट के जरिए और नीचे जनता का जन सैलाब और लगातार भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ प्रवेश करता हुआ आगे बढ़ता हुआ। देखिए सड़क के एक तरफ किस तरह से राहुल गांधी को देखने के लिए लोग अलग तरीके से यहाँ पर खड़े हैं और लगातार इस यात्रा का मजा ले रहे हैं, इस यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं भारत जोड़ो यात्रा की। आगे की तरफ यात्रा बढ़ रही है, लगातार लोग चल रहे हैं और तस्वीरें देखिए किस तरह से इस यात्रा में तेलंगाना में नारायण खेत के इलाके में ये तमाम तस्वीरें चल रही है। लगातार भारत जोड़ो यात्रा आगे की तरफ प्रवेश कर रहा है। जनता का सैलाब, जनता का सहयोग और जनता का जिस तरह से भीड़ दिख रहा है उससे कई सारी बातें स्पष्ट है कि भारत जोड़ो यात्रा किस तरह से आगे की तरफ बढ़ रहा है और लोगों का सपोर्ट मिला। आज बड़ा महत्वपूर्ण रहा क्योंकि आज प्रशांत भूषण भी आज राहुल गांधी के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोग यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। लगातार जो है जो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य है उसको लेकर ये देखिए तस्वीरें हैं भारत जोड़ो यात्रा की राहुल गांधी को सपोर्ट करने की। और ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इस यात्रा में शामिल होकर भारत जोड़ो यात्रा को मजबूत कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में कई सारी बातें स्पष्ट है कि किस तरह से सड़कों पर जनता जो है राहुल गांधी के साथ खड़ी है। ये तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा किस तरह से सपोर्ट और किस तरह से सहयोग मिल रहा है। ये तमाम तस्वीरें हैं भारत जोड़ो यात्रा की। आगे की तरफ यात्रा बढ़ चुका है, लोगों का सपोर्ट और सहयोग ऐसा ही है जैसे से पहले दिन से दिख रहा था। ये तस्वीरें आप देखिए और पीछे की तरफ देखिए किस तरह से लोग इस यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी के साथ और भारत जोड़ो यात्रा को नई ऊर्जा दे रहे। ये तमाम तस्वीरें तेलंगाना के मेदक डिस्ट्रिक्ट से और तमाम तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा की आगे की तरफ बढ़ता हुआ। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।